नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनी शो। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इंडियन आर्मी की न्यू वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो सब भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके कर दीजिए, और पास में एक बेल आइकन आएगा उस पर भी ओके, जिससे कि जो भी मेरे न्यू वीडियो हैं, जो भी मैं न्यू अपडेट के बारे में बताता हूँ, वो सभी आप तक पहुँच सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड, आइए हम जान देते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, मैंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट से मैंने एक PDF डाउनलोड करके रखा है, जो कि न्यू वैकेंसी के बारे में, इस बारे में देख लीजिए आप। इंडियन रिक्रूटमेंटिंग ऑफिस श्रीनगर, देख सकते हैं आप, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली ग्राउंड कारगिल, जो कि 20 जून से 22 जून तक होगी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि 21 अप्रैल से 6 जून तक आपके भरे जाएंगे। तो फ्रेंड, इसमें क्वालिटी की बात करें, जो कि कैंडिडेट की है, जो कि देखिए क्वालिटी, इसमें कैटेगरी है जो कि सोल्डर ड्यूटी जनरल, जो कि एज है इसमें 17.5 से 21 वर्ष है, और इसका जन्म डेट होना चाहिए 1 अक्टूबर 1998 या फिर 1 अप्रैल 2002 से बीच में होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसकी हाइट होती है जो कि 157 होनी चाहिए, वेट 50 kg, और चेस्ट यानी कि आपका सीना 77 सेंटीमीटर, और इसमें देखिए क्लास 10 मैट्रिक पास होना चाहिए, मैक्सिमम 45% मार्क से होना चाहिए, और हर विषय में 33% मार्क अनिवार्य है। और फ्रेंड, आगे देखिए शोल्डर टेक्निकल में देखिए 17.5 से 23 वर्ष दिए हुए हैं, और इसमें देखिए जन्म डेट है जो कि 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 है, और इसमें हाइट की बात करें तो 157 है, और वेट जो कि 15 kg है, और चेस्ट 77 है, और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 12वीं में, और इसमें साइंस विद फिजिकली केमिस्ट्री एंड मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। और शोल्डर नर्सिंग जिसमें 17.5 से 23 वर्ष ही है, बाकी ये एज भी तारीख सेम है, बाकी सब सेम ही है, इसमें टोटल भी ये एजुकेशन भी सेम ही दी हुई है। और शोल्डर क्लर्क और स्टोक कीपर है जो कि 17.5 से 23 वर्ष, ये भी सेम है, और ये भी हाइट और वेट चेस्ट सभी सेम है। इसमें भी देखिए 12वीं इंटरमीडिएट पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। और फ्रेंड, इसमें रिलैक्सेड है जो कि देखिए पूर्व भूत सैनिक होते हैं, उनके पुत्र हैं या फिर कोई भी है, तो उनके लिए हाइट का 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाएगी, चेस्ट में भी 1% और वेट में 2 kg का आपको रिलैक्स दिया जाएगा। और देखिए अबॉर्ट सॉन्ग यानी कि आपकी कोई गोद लिया हुआ पुत्र है या कोई दामाद है आपका घर जमाई, उसके लिए 2 सेंटीमीटर और चेस्ट भी 1 सेंटीमीटर और हाइट 2 kg, और कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है उसके लिए हाइट 2 सेंटीमीटर और चेस्ट 3 सेंटीमीटर और वेट 5 kg कम रिलैक्स हो सकता है। और देखिए फ्रेंड, आगे कैंडिडेट विल बी स्टार्टेड इज स्टेट ब्लू। और फ्रेंड, इसमें फिजिकली टेस्ट है जो कि देखिए इसमें 1.6 किलोमीटर का दौड़ होती है, देखिए इसमें समय मिलता है ग्रुप 1 को 7 मिनट और ग्रुप 2 को 7 मिनट 45 सेकंड तक, मार्क हैं जो कि इसके 60 है उसके 48 है, और पुलअप्स होते हैं जो 10, 9, 8, 7, 6, 40, 33, ये सभी इसमें आते हैं। और फ्रेंड देखिए फिजिकली टेस्ट होता है इसमें, और मेडिकल टेस्ट होता है, और राइटिंग कॉमन एग्जामिनेशन भी होता है इसमें। और इसमें देखिए हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडमिट कार्ड जो कि आपके अच्छी क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट होना चाहिए, और फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए कलर, और देखिए एजुकेशन प्रूफ हैं जो कि आपको ओरिजिनल लेने होंगे, और डोमिक क्रेटिफिकेशन भी आपको चाहिए, और कास्ट क्रेटिफिकेशन एलिजिबल क्रेटिफिकेशन स्कूल कैरेक्टर क्रेटिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनमेरिड सर्टिफिकेट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और NCC सर्टिफिकेट भी आपको पास होना चाहिए, और स्पोर्ट के सर्टिफिकेट हो तो आप बहुत ही अच्छा है। और देखिए एडिडिवेट और सिंगल बैंक अकाउंट पैन कार्ड आधार कार्ड भी आपके साथ हो। और फ्रेंड, आपके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, जैसे कि हाथ के पीछे गर्दन के पास कहीं पर भी आपके टैटू होगा तो आपकी आगे की प्रोसेस रोक दी जाएगी। और फ्रेंड देखिए इसका टेलीफोन नंबर है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 0194-2311-28, और ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर जाकर और भी इसका देख सकते हैं, और मैं आपको इस PDF का भी लिंक दे दूंगा जो आप बहुत अच्छी तरह से इसे देख कर समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।